नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल फिजिक्स गुरु में। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन के बारे में पढ़ा था, और आज हम लोग बातें करेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस की। और सबसे पहले जो है जान लेते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस होता क्या है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस वो होता है कि प्रोसेस इन विच हीट इज कॉन्स्टेंट, हीट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। मतलब ये हुआ डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो, यानी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो है या तो सिस्टम के बाहर या सिस्टम के अंदर हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है, टोटल हीट रिमेन्स कंजर्व, उतनी ही हीट रहेगी, सिस्टम की हीट चेंज नहीं होगी, लेकिन इसमें टेम्परेचर चेंज हो सकता है। ठीक है ना, आइसोथर्मल में जो होता है टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, बट हीट इज चेंज, हीट जो है होती है वो सराउंडिंग के साथ में क्या होती है, ट्रांसफ़र हो सकती है, एक्सचेंज हो सकती है। इसी वजह से हम लोगों ने जो वॉल्स थी वो आपकी कंडक्टिंग ली थी, ताकि इजिली जो है हीट ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है ना, टेम्परेचर में चेंज ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी हीट कॉन्स्टेंट है तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो रहेगा। यहाँ पे बोलेंगे जो हीट के अलावा जो आपका है प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिमेन्स क्या रहेंगे, सॉरी आर क्या रहेंगे, चेंज्ड। ठीक है ना, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर क्या होंगे, चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो हीट है वो रिमेन्स कॉन्स्टेंट रहेगी, हीट पे कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखिए हीट में चेंज नहीं आने का मतलब क्या हुआ, इस वाले प्रोसेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है, कंडीशन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। तो पहली जो कंडीशन है वो क्या होती है, वाल्स ऑफ कंटेनर, कंटेनर की जो वाल हैं आर इंसुलेटेड, मतलब आपकी जो दीवार है, आपकी जो वाल्स है कंटेनर की, सिलेंडर की जो आपकी दीवार है, सिलेंडर का जो मटेरियल है वो आपका कैसा होना चाहिए, इंसुलेटेड होना चाहिए। इंसुलेटेड क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो सिलेंडर जो है उससे हीट बाहर ना जा पाए और बाहर की हीट अंदर ना आ पाए, इसका मतलब हीट जो है बेटा वो बढ़नी नहीं चाहिए, वो घटनी नहीं चाहिए। देर विल बी नो चेंज इन द हीट, हीट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, दैट इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है ना। अच्छा, नंबर दो पे जो प्रोसेस का कंडीशन क्या रहेगी, वो रहेगी प्रोसेस शुड बी फास्ट। हमने पढ़ा था आइसोथर्मल प्रोसेस में कि इस प्रोसेस जो होता है बहुत धीरे होता है। धीरे प्रोसेस होने का मतलब क्या होता है, जब भी मैं पिस्टन को कंप्रेस करता हूँ या पिस्टन को मैं एक्सपेंड करता हूँ तो कुछ वर्क डन होगा, कुछ वर्क डन होगा। तो वो वर्क डन जो है वो कैसे हुआ, वो वर्क डन जो है अगर सिस्टम ने खुद वर्क डन किया है तो वो वर्क डन जो किस में चेंज हो जाएगा, उस कुछ हीट में चेंज होगा। और वो जो हीट जो होती है कंटेनिंग कंडक्टर की जो वाल्स हैं आपकी, कंडक्टिंग वाल्स होती हैं, उनसे जो है एक्सचेंज हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, यानी सिस्टम की जो हीट है वो बढ़ने नहीं पाएगी, सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने नहीं पाएगा। ठीक है ना, इसलिए प्रोसेस बहुत स्लो करते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, प्रोसेस शुड बी फास्ट। हम चाहते हैं कि वाल्स अगर इंसुलेटेड हैं तो हम चाहते हैं कि हीट जो है वो बाहर नहीं निकल पाए, हीट बाहर नहीं निकल पाए। अगर प्रोसेस धीरे धीरे होगा तो हीट को मौका मिल जाएगा एक्सचेंज होने का। मैं इतनी तेज प्रोसेस को करूंगा कि हीट को मौका ही नहीं मिलेगा एक्सचेंज होने का, और प्रोसेस तब तक हो चुका होगा। तो प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, इसलिए मैंने इंसुलेटेड वाल्स यहाँ पे लिए हैं। तो कंडीशन आपको समझ में आ गई। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पहला एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ क्या, ब्रस्टिंग ऑफ टायर, ब्रस्टिंग ऑफ ट्यूब। साइकिल की या मोटरसाइकिल की जो ट्यूब होती है टायर की, वो आपकी अगर फट जाती है, मान लो कि साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलते चलते अचानक ट्यूब फट गई, तो वो जो प्रोसेस होता है बहुत फास्ट हुआ, एकदम से फट गई, पता ही नहीं चल पाया अपने को। तो प्रोसेस फास्ट होने का मतलब क्या हुआ, उस प्रोसेस में हीट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, हीट क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, लेकिन टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम क्या हो गए, सब क्या हो गए, चेंज हो गए हैं। पहले गैस का प्रेशर कुछ और था, उसके अंदर जो हवा भरी हुई थी उसका प्रेशर कुछ और था, वॉल्यूम कुछ और थी, अब कुछ और है, लेकिन हीट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, हीट में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है ना, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका है एग्जाम्पल, इसका एक्सपेंशन ऑफ गैस इन स्टीम इंजन। स्टीम इंजन क्या होता है, स्टीम से चलने वाला इंजन, ठीक है ना, भाप से चलने वाले जो इंजन होते हैं उनमें जब गैस एक्सपेंड होती है तो बहुत जल्दी एक्सपेंड होती है, बहुत तेज़ी से एक्सपेंड होती है, प्रोसेस जो होता है बेटा बहुत फास्ट होता है, उस वजह से इस प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है ना, कंडीशन समझ में आ गई, एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट के ऊपर, क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात करते हैं। इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होगी, कौन से प्रोसेस की बताओ, एडियाबेटिक प्रोसेस की, वो होती है आपकी पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या होता है बेटा, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, यानी प्रेशर इंटू वॉल्यूम की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है ना, यहाँ पे जो गामा होता है
उस गामा को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे गामा इज इक्वल टू सी पी अपॉन में सी वी। गामा इज इक्वल टू सी पी अपॉन में सी वी। सी पी का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट। क्या होता है? स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। और इसका क्या मतलब होता है बताओ? स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट अगर कॉन्स्टेंट प्रेशर पे ली जाए और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे ली जाए तो उन दोनों का जो रेशियो होता है वो होता है हमारा गामा। गामा की वैल्यू जो होती है फिक्स होती है, कॉन्स्टेंट होता है। और याद रखें कि गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन। गामा की जो वैल्यू होती है हमेशा एक से क्या होती है? बड़ी होती है, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पहली आपकी जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है ये आपका एडियाबेटिक प्रोसेस है। और एडियाबेटिक प्रोसेस में जो होता है इक्वेशन ऑफ स्टेट जो होती है वो होती है तीन, ठीक है ना। आइसोथर्मल में एक ही होती है पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पहली स्टेट की इक्वेशन हो गई। यहाँ पे अपने को दो इक्वेशन की स्टेट और पढ़नी है, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ स्टेट आपको और पढ़नी है। पहली अगर पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि पी वन वी वन गामा इज इक्वल टू पी टू वी टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। यानी पी वन वी वन गामा इज इक्वल टू पी टू वी टू गामा इज इक्वल टू पी थ्री वी थ्री गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा विद द पावर ऑफ गामा ऑफ वॉल्यूम ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट रहेगा। ये आपकी इक्वेशन ऑफ स्टेट, पहली इक्वेशन ऑफ स्टेट है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी इक्वेशन ऑफ स्टेट की। नंबर दो पे हम लोग क्या करेंगे? नंबर दो पे क्या करना है? देखिए प्रेशर पी इंटू वी की पावर गामा इज इक्वल टू क्या कोई कॉन्स्टेंट के मान लूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे जो प्रेशर की जो वैल्यू है पी वी इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? आर टी होता है। तो यहाँ से प्रेशर क्या होगा बताओ? आर टी अपन में क्या होगा? वी होगा। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? आर टी बाई वी होता है। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए आर टी बाई वी की और यहाँ पे वी की पावर गामा इज इक्वल टू के हो गया, ठीक है ना। पी वी इज इक्वल टू आर टी लगा के मैंने प्रेशर की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे वी की पावर कितनी है? वन। और यहाँ पे कितनी गामा? तो यहाँ पे कितनी आएगी? आर टी वी की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू क्या है? कॉन्स्टेंट। यहाँ पे जो आर था आपका, इस आर को भी मैं क्या करता हूँ? इस आर को मैं नीचे ले आता हूँ के बाई आर, और के बाई आर मिलके क्या होगा? एक नया कॉन्स्टेंट बन जाएगा, उसको हम लोग फिर से के मान लेते हैं। तो मेरे पास फॉर्मूला आएगा टी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। टी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दूसरा जो रिलेशन आ गया इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट सेकेंड नंबर वाली। पहली क्या थी? पी वन वी वन गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन है, ये टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन है। तो टी वी की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू क्या है? कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे इसको? इसको लिख सकते हैं टी वन वी वन की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी टू वी टू गामा की पावर माइनस वन, और यहाँ पे इज इक्वल टू क्या आएगा? कॉन्स्टेंट आएगा कोई भी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्लियर। नेक्स्ट आपका कौन सा? इक्वेशन नंबर थ्री की बात करें तो क्या होगा? पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा। इसको हम लोग के मान लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पहली वाली क्वेश्चन यूज की थी, यहाँ पे मैं फिर से पहली वाली क्वेश्चन यूज कर रहा हूँ। इसमें मुझे क्या करना है? इस बार वॉल्यूम की वैल्यू पुट करनी है। पहले मैंने प्रेशर की वैल्यू पुट की थी आर टी बाई वी, इस बार मुझे वॉल्यूम की वैल्यू पुट करनी है। क्या होता है? पी वी इज इक्वल टू आर टी, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा बताओ? आर टी बाई पी। तो वॉल्यूम की जगह पुट कर दीजिए पी इंटू क्या होगा आपका? आर टी बाई पी। इसकी पावर होगी क्या होगी? गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। यहाँ पे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बताओ? पी की पी इंटू क्या होगा? पी की पावर वन माइनस का गामा। देखो पी की पावर यहाँ पे कितनी है? वन है, और नीचे पी की पावर कितनी आएगी? गामा। ऊपर जाके होगी वन माइनस गामा। इंटू टी की पावर कितनी होगी? गामा। और इज इक्वल टू के बाई आर, और के बाई आर फिर मिलके क्या हो जाएगा? एक कॉन्स्टेंट के, ठीक है ना। तो हमारा फॉर्मूला आ गया प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में। ये वाला प्रेशर वॉल्यूम के टर्म में, ये टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में, और ये वाला आ गया आपका प्रेशर और टेम्परेचर की टर्म में। आपका पी की पावर वन माइनस गामा, टी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको हम ऐसे लिखेंगे बताओ क्या? पी वन वन माइनस गामा, टी वन की पावर गामा इज इक्वल टू पी टू वन माइनस गामा, टी टू की पावर गामा इज इक्वल टू क्या आएगा? कॉन्स्टेंट आएगा के। सो दीज आर द थ्री इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये तीन इक्वेशन ऑफ स्टेट होते हैं किसके लिए? ये तीन इक्वेशन ऑफ स्टेट होते हैं किसके लिए बताओ? एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यहाँ से मैं आपको दोबारा से लिख के दिखाता हूँ कि इस इक्वेशन को। यहाँ पे लिखेंगे पी वन वन माइनस गामा टी की पावर गामा इज इक्वल टू पी टू वन माइनस गामा टी टू की पावर गामा इज इक्वल टू के। दिस इज योर इक्वेशन फॉर इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, थर्ड नंबर की इक्वेशन है, ठीक है। तो ऐसे जो अपने को इक्वेशन याद करनी है, ये थे आपके एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्या? एडियाबेटिक प्रोसेस में नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कहाँ पे?
स्पेसिफिक हीट के ऊपर, कहाँ चलते हैं, स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करते हैं। तो स्पेसिफिक हीट हमने वहाँ भी पढ़ी थी, तो स्पेसिफिक हीट का छोटा सा फॉर्मूला होता है भाई, क्या होता है, स्पेसिफिक हीट सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन में एम डेल्टा टी। तो देखो आइडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू कितना होता है, जीरो होता है, तो जीरो अपॉन में एम डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब सी इज इक्वल टू जीरो। तो बहुत सिंपल है, स्पेसिफिक हीट जो होती है वो क्या होती है बेटा, जीरो होती है, किसमें, एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो आता है वो आता है स्लोप, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। स्लोप कैसे निकालेंगे, तो स्लोप के लिए क्या होता है, इक्वेशन लगा दो, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, पी वी की पावर गामा क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। स्लोप के लिए मुझे क्या चाहिए, डी पी बाई डी वी चाहिए, मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो क्या होगा, पी को छोड़ दीजिए और यहाँ पे आएगा गामा पी वी की पावर गामा माइनस वन इंटू क्या आएगा, डी वी, यानी पी को छोड़ दीजिए एज इट इज और वॉल्यूम का कर दीजिए, वॉल्यूम में क्या आएगा बताओ, गामा की पावर को आगे लेके आएंगे, पावर में से एक लेस कर देंगे, साथ में क्या आएगा बताओ, डी वी आएगा, ठीक है ना। प्लस में क्या होगा बताओ, प्लस में क्या होगा, वी की पावर गामा को छोड़ दीजिए और प्रेशर कितना आएगा, पी का आएगा वन और यहाँ पे आएगा क्या, डी पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, जीरो होता है। देखो फिर से देख लीजिए एक बार, दो टर्म है आपकी, दो जब वैल्यू होती है वेरिएबल होते हैं तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पहले को छोड़ दीजिए दूसरे का कर दीजिए, प्लस में दूसरे को छोड़ दीजिए पहले का कर दीजिए, तो यहाँ पे आएगा गामा, पावर को आगे लेके आओ गामा, पावर में एक लेस कर दीजिए, पी की वी की पावर गामा माइनस वन, यहाँ पे प्रेशर है इनटू डीवी है, प्लस में वी की पावर गामा को एज इट इज छोड़ दीजिए और प्रेशर का क्या होएगा, डीपी होएगा, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। यहाँ पे लिखेंगे गामा पी वी की पावर गामा माइनस वन अपॉन में क्या होएगा, वी की पावर गामा, दैट इज इक्वल टू डीपी अपॉन में डीवी, हमें तो डीपी अपॉन डीवी चाहिए। यहाँ से देखो वी की पावर गामा, वी की पावर गामा माइनस वन सोल्व कर दो तो क्या आएगा, गामा इंटू पी और यहाँ पे आएगा वी की पावर गामा माइनस वन और माइनस गामा, यहाँ पे क्या होगा, गामा से गामा कैंसिल हो गया तो ये बच गया गामा इंटू पी वी की पावर माइनस वन, तो यहाँ पे आ गया गामा पी अपॉन में वी, तो यहाँ से जो आपका डी पी अपॉन में डी पी आया वो क्या आ गया आपका, गामा पी बाई वी, गामा पी बाई वी आ गया, ठीक है ना। साथ में इसको टर्म को यहाँ पर लेके आएंगे तो नेगेटिव साइन साथ में चलेगा ही, तो माइनस का गामा पी बाई वी आ गया। आइसोथर्मल में क्या था, माइनस का पी बाई वी आया था, लेकिन एडियाबेटिक में एक्स्ट्रा गामा और मल्टीप्लाई हो गया है, तो गामा पी बाई क्या आ गया है आपका, वी आ गया है। सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ स्लोप, स्लोप ऑफ द एडियाबेटिक प्रोसेस माइनस का गामा पी बाई वी आ गया और साथ में इसका जो स्पेसिफिक हीट है वो कितना हो गया बताओ, वो हो गया आपका जीरो, ठीक है ना। अब आपको ध्यान रखना है, अब हम लोग करेंगे दो इसके ग्राफ। जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है वो भी दो टाइप का होता है, एक होता है आपका एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, और एक होता है आपका एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन को कैसे पता लगाएंगे बताओ, ग्राफ को देख के, ग्राफ आपके वैसे ही बनेंगे, ग्राफ देख के बना देते हैं। यहाँ पे एक ग्राफ ये वाला बन गया, यहाँ पे एक्सपेंशन में जो है एरो नीचे की साइड में आएगी, प्रेशर है, वॉल्यूम है, ये वाली वॉल्यूम आपकी वी टू हो गई, ये वाली वॉल्यूम आपकी इनिशियल वी वन हो गई, प्रेशर आपका जो होता है पी वन और पी टू हो गया, ये पी वन और ये वाला पी टू हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे एडियाबेटिक एक्सपेंशन आपका, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं कंप्रेशन की, कंप्रेशन का जो ग्राफ है कैसा आएगा, ये वाला प्रेशर है और यहाँ पे आपका वॉल्यूम है, ये वाला ओरिजिन है, तो यहाँ पे जो कंप्रेशन का जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा आपका, कुछ इस प्रकार की ग्राफ आएगा आपका, एरो ऊपर की साइड में होगी, यहाँ पे मान लेता हूँ प्रेशर आपका पी वन, यहाँ पे वॉल्यूम मान लेता हूँ आपके वी वन और यहाँ पे प्रेशर मान लेता हूँ वी टू और पी टू, दिस इज योर एक्सपेंशन और दिस इज योर कंप्रेशन। तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन के जो ग्राफ है वो देखने में एक जैसे होते हैं, बस फर्क होता ही है कि उसमें एरो जो होती है नीचे की साइड में होगी और ये वाले ऊपर की साइड में, ठीक है ना। इसमें वॉल्यूम क्या हो रही है, घट रही है, और इसमें वॉल्यूम क्या हो रही है, बढ़ रही है। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब एक्सपेंड हो रहा है, वॉल्यूम घटने का मतलब क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। तो जब वॉल्यूम घटेगी तो प्रेशर क्या होगा, वॉल्यूम घटेगी तो प्रेशर आपका बढ़ेगा, और यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। तो ये एक्सपेंशन और क्या होता है, कंप्रेशन होता है किसमें, एडियाबेटिक के अंदर, ठीक है। तो जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।